अब तुम्हारे भाई ने अपने चैनल पे बजट सेगमेंट के लैपटॉप्स को भी रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया था, स्पेशली उन लैपटॉप्स को जो अंडर 35 या 40,000 रुपीस की कैटेगरी में आते हैं। MSI के एक लैपटॉप को रिव्यू किया, एसर के एक लैपटॉप को रिव्यू किया, फाइनली अब बारी थी लेनोवो की। लेनोवो का आइडिया पैड स्लिम 1 जो कि राइजन 3 7320U बेस एक लैपटॉप था, जिसको कि अगर आप मार्केट में लेने जाते हो 37,000 रुपीस का मिलता है, लेकिन अगर आप ऑनलाइन चेक करते हो ना तो वो आपको इजिली 31,000 रुपीस का मिल जाता है। आज ही अपने गेमिंग पीसी को दें एक नया अपग्रेड। क्रूशियल T700 आपको फास्ट रीड और राइट स्पीड प्रोवाइड कर देती है, जिससे कि आपके गेम्स लोडिंग टाइम अप टू 10 टाइम्स तक इम्प्रूव हो सकते हैं। यहाँ पर आपको M.2 फॉर्म फैक्टर देखने को मिल जाता है, जो टेम्परेचर्स हैं वो अंडर कंट्रोल हैं, और 5 साल की वारंटी भी देखने को मिलती है। आज ही खरीदिए क्रूशियल T700। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक दिया हुआ है, जाकर चेक कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊं तो बॉक्स में यहाँ पर आपको आपका लैपटॉप देखने को मिल जाता है, साथ ही में कोने में ना 65 वॉट का एक छोटा सा चार्जर देखने को मिल जाता है, और थोड़े बहुत मैनुअल्स भी देखने को मिलते हैं। लैपटॉप के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो फर्स्ट इंप्रेशन रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है, यानी कि पहली बार जब मैंने इसे हाथ में लिया तो मुझे लगा कि शायद एक मेटालिक लैपटॉप है। इस प्राइस रेंज में आपको मेटालिक लिड के साथ भी लैपटॉप्स मिल जाते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत यूज़ करने के बाद मुझे पता चल गया कि ये केवल मेटालिक फिनिश है, यहाँ पर ओवरऑल जो कंस्ट्रक्शन है वो प्लास्टिक का ही है। बाकी ये लैपटॉप एक लाइट वेट लैपटॉप है, 1.58 kg इसका वेट है, तो कैरी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अनफॉर्चुनेटली लैपटॉप की लिड को उठाने के लिए आपको दोनों हाथ का यूज़ करना पड़ेगा, एक हाथ से लिड नहीं उठती है, और लिड उठाते साथ ही आप पहली चीज़ जो नोटिस करते हो ना वो है इसकी स्क्रीन। इस लैपटॉप में जो आपको स्क्रीन देखने को मिलती है वो है 15.6 inch की फुल HD TN पैनल वाली स्क्रीन। TN पैनल है ज़रूर, इसके बारे में अभी हम लोग थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर जो आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है वो केवल 60Hz का है, और स्क्रीन के ऊपर ही एक छोटा सा वेबकैम है, जिसको कि आप चाहो ना तो स्विच से ऑफ भी कर सकते हो। अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर आपको हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी मिलती है। नीचे साइड पे यहाँ पर जो आपको कीबोर्ड देखने को मिलता है वो एक फुल साइज कीबोर्ड है, यानी कि साइड में नम पैड भी देखने को मिल जाता है। ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, तो अगर आप में से जो लोग ऑफिस यूज में इस लैपटॉप को लेना चाहते हैं ना, उनके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली जितनी भी कीज देखने को मिलती हैं वो बैकलाइट नहीं है, तो अंधेरे एनवायरनमेंट में यूज करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। कीबोर्ड के नीचे साइड पे यहाँ पर आपको ट्रैक पैड देखने को मिल जाता है, जो कि इनफ सरफेस एरिया प्रोवाइड कर देता है, छोटे मोटे काम में नॉर्मल यूज में मोर देन इनफ है। बाकी अगर मैं आपको पोर्ट्स के बारे में बताऊँ ना, तो यहाँ पर आपको 2 फुल साइज USB पोर्ट, 1 USB-C, 1 HDMI पोर्ट देखने को मिल जाता है। अनफॉर्चुनेटली LAN पोर्ट यहाँ पर लेनोवो ने हटा दिया है, आई डोंट नो ऐसा क्यों किया, लेकिन LAN पोर्ट तो मेरे जैसे यूजर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लकड़ी यहाँ पर आपको डुअल बैंड वाईफाई देखने को मिल जाता है और ब्लूटूथ 5.1, तो ठीक है आपका काम चल जाएगा। बाकी अगर मैं आपको बैक साइड के बारे में बताऊँ तो आपको प्रॉपर वेंट्स देखने को मिलते हैं, और नीचे साइड पे ही स्पीकर्स भी देखने को मिल जाते हैं। स्पीकर की क्वालिटी के बारे में भी, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ही ज़्यादा लाउड और क्लियर है, आपको हेडफोन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ यहाँ पर आप थोड़ा बहुत बात कर लेते हैं इस लैपटॉप के इंटरनल्स के बारे में। यहाँ पर जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है ना, वो है राइजन 3 7320U, जो कि एक क्वाड कोर प्रोसेसर है और साइमल्टेनियस मल्टी थ्रेडिंग भी सपोर्ट करता है, यानी कि यहाँ पर आपको 4 कोर और 8 थ्रेड देखने को मिल जाते हैं। 8GB की LPDDR5 मेमोरी देखने को मिल जाती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। बाकी यहाँ पर आपको जो SSD देखने को मिलती है वो है 512GB की SSD, डुअल बैंड वाईफाई का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है, और ब्लूटूथ 5.1 का भी सपोर्ट देखने को मिलता है। बाकी आप में से जो लोग ग्राफिक्स के बारे में जानने में इंटरेस्टेड हैं, इस लैपटॉप में आपको देखने को मिलता है रेडियन का 610M, जो कि एक बहुत ही बेसिक लेवल का IGPU है। इसके गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में ना अभी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। अब ये हो गया ओवरऑल लैपटॉप के बारे में, अब बात कर लेते हैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के बारे में। मैं इस लैपटॉप को 2-3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा है अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहली चीज़, जैसे ही मैंने लैपटॉप को यूज़ करना स्टार्ट करा ना, मैंने देखा कि यहाँ पर TN पैनल मिल रहा है, मज़ा वहीं से किरकिरा हो गया। और क्यों ना होता, मैं ठहरा बंदा 8 साल से IPS पैनल वाले मॉनिटर यूज़ कर रहा हूँ, वो भी हाई रिफ्रेश रेट वाले। मेरा लैपटॉप जो है वो 300Hz का है, मेरे पैनल हैं जो पीछे वो 165Hz के हैं, तो 60Hz TN पैनल पे मूव करना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा पेनफुल था। शुरुआत में TN पैनल में जो कलर शिफ्टिंग देखने को मिल रही थी ना, वो इतनी ज़्यादा ख़राब थी, मुझे लगा भाई मैं इसे यूज़ ही नहीं कर सकता। लेकिन फिर जब थोड़ा बहुत यूज़ करना स्टार्ट किया ना, मैंने अपने PC-VC को हटा दिया, तो मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल होने लगा, और 1-2 दिन बाद मैं इसकी स्क्रीन पर एडजस्ट हो गया।
अब यहाँ पर जब शुरुआत में मैंने इस लैपटॉप को यूज करा तो मैंने एक चीज ये नोटिस करी कि ये लैपटॉप बहुत ही ज्यादा फास्ट और स्नैपी है। यहाँ पर जो इंटरनल SSD यूज करी गई है वो आपको इनफ रीड और राइट स्पीड प्रोवाइड कर देती है, एंड दैट इज व्हाई आपका जो एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही स्नैपी रहता है। अब हम लोग ने उसके बाद वेब ब्राउजर ओपन करा। वेब ब्राउजर ओपन करते साथ ही 4-5 टैब जब खोल दिए ना तो मल्टीटास्किंग करने में यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। क्रोम और एज जो ब्राउजर है ना, मैंने दोनों यूज करे, मेरा एक्सपीरियंस बढ़िया रहा। नॉर्मली अगर आप थोड़ा सा इंटरनेट वगैरह चलाते हो, YouTube पे विजिट करते हो या थोड़े बहुत ऑनलाइन फोरम्स पे विजिट करते हो ना, आपका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा होता है, कहीं पर भी लैग या लैपटॉप में स्लो डाउन देखने को नहीं मिलता। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत ऑनलाइन कंटेंट कंज्यूम करना स्टार्ट किया, यानी कि YouTube यूज़ करना स्टार्ट करा, और YouTube में वीडियो प्लेबैक का जो एक्सपीरियंस है ना वो बहुत ही इंप्रेसिव था। यानी कि 4K रेजोल्यूशन की HDR वीडियोस भी अगर आप चलाते हो ना, लैपटॉप में लैग या फ्रेम ड्रॉप बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। कंटेंट कंज्यूम करना अगर आपकी प्रायोरिटी है ना तो आप इस लैपटॉप के साथ आराम से जा सकते हो। शुरुआत में मुझे व्यूविंग एंगल्स ज़रूर थोड़ा बहुत बॉदर कर रहे थे, लेकिन एक दो दिन बाद जब मैं एडजस्ट हो गया ना, फिर मैंने इस लैपटॉप पे मूवीज़ देखना स्टार्ट करी। और भाई मैं एक सेकंड के लिए भूल ही गया कि यहाँ पर TN पैनल भी है, क्योंकि फ्रंट से जो आपको क्या बोलते हैं पिक्चर क्वालिटी देखने को मिलती है ना इस लैपटॉप की स्क्रीन में, वो बहुत ही अच्छी होती है। आप लिटरली भूल जाओगे कि ये TN पैनल है। बाकी यहाँ पर जो इस लैपटॉप में साउंड मिल रहा था वो बहुत ही लाउड था, क्लियर था। लिटरली मैं आपको बताऊं, आपको हेडफोन की जरूरत नहीं पड़ती, तो मीडिया कंजम्पशन के मामले में ये लैपटॉप मुझे काफी अच्छा लगा। उसके बाद अगर थोड़ा बहुत ऑफिस रिलेटेड एप्लीकेशंस के बारे में बात करें ना, MS Word, MS Office, MS Excel या MS PowerPoint जैसे एप्लीकेशन चलाना चाहते हो आप आराम से चला सकते हो। यहाँ पर जो आपका एक्सपीरियंस रहता है वो बहुत ही अच्छा रहता है। कीबोर्ड जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, उनकी जो कीज़ है ना उनका ट्रैवल डिस्टेंस बहुत छोटा सा है, तो टाइपिंग करने में बहुत मज़ा आती है। इवन इस लैपटॉप की जो स्क्रिप्ट है ना वो भी मैंने इसी लैपटॉप में ही लिखी हुई है, और अगर आप बिना देखे टाइपिंग वगैरह कर लेते हो ना तो आपको टाइपिंग करने में बहुत मज़ा आएगा। वरना हो सकता हो शुरुआत में एडजस्ट होने में आपसे मिस टाइपिंग थोड़ी ज़्यादा हो, लेकिन थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, आप आराम से इसमें एडजस्ट हो जाओगे। नाउ अब यहाँ पर बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत CPU परफॉर्मेंस के बारे में। जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि Ryzen 3 7320U एक क्वाड कोर प्रोसेसर है, यानी कि 4 कोर और 8 थ्रेड प्रोवाइड कर देता है। और मैं आपको बता दूं भाई, ये इम्प्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा फास्ट है। मैंने i3 11th generation बेस्ड लैपटॉप थोड़े टाइम पहले रिव्यू करे थे, अगर आप उससे कंपेयर करते हो ना भाई, Ryzen 3 7320U बहुत 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 पावरफुल है। यहाँ पर मैंने सिरिमिन 415 जब चलाया तो मुझे फाइनल स्कोर जो देखने को मिला ना वो 720 था, जो कि लैपटॉप के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा था। इस प्राइस पॉइंट पे नॉर्मली आपको जो स्कोर मिलता है ना वो 500 से लेके 600 तक ही जाता है। तो अब अगर आप इस लैपटॉप को कोडिंग वगैरह के लिए या एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए या वेब डेवलपमेंट के लिए लेना चाहते हो ना, तो आप इस लैपटॉप के साथ आराम से जा सकते हो। CPU हैवी टास्क आप यहाँ पर आराम से कर लोगे। वही आप में से जो लोग थोड़ा सा वीडियो एडिटिंग रिलेटेड काम करना चाहते हो ना, परफॉर्मेंस इस लैपटॉप में प्रॉपर मिल जाएगा, आप पर्सनल लेवल की वीडियो एडिट्स आराम से कर सकते हो। हालांकि थोड़ा बहुत स्क्रीन में इशू आएगा क्योंकि TN पैनल है, कलर रिप्रोडक्शन उसका उतना एक्यूरेट नहीं होता, तो पर्सनल लेवल का काम आप यहाँ पर अगर करना चाहते हो ना कर सकते हो, परफॉर्मेंस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। वही आप में से जो लोग गेमिंग रिलेटेड थोड़ा बहुत इस लैपटॉप के बारे में जानना चाहते हैं ना, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो IGPU देखने को मिलता है ना वो है Radeon 610M, जो कि उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो अब यहाँ पर अगर आप GTA 5 जैसा गेम खेलते हो 720p लो सेटिंग पे, तो आपको 45 FPS के आसपास आराम से मिल जाते हैं, यानी कि GTA 5 आप आराम से खेल लोगे। वही मॉडर्न गेम्स खेलने बैठ जाते हो तो भाई ये लैपटॉप उसके कैपेबल नहीं है। मैंने राइज ऑफ टॉम राइडर चलाया और Assassin's Creed Valhalla चलाया, वहाँ पर आपको 20 से लेकर 30 FPS मिल रहे थे, यानी कि गेम तो चल जाएगा लेकिन एक्सपीरियंस मज़ेदार नहीं होगा। तो मॉडर्न गेम्स तो आप इस लैपटॉप पे नहीं खेल सकते, लेकिन GTA 5 आप यहाँ पर खेल सकते हो थोड़ा सा कम सेटिंग पे। अब इतनी सारी टेस्टिंग करने के बाद हो सकता हो कुछ लोग के माइंड में ये भी आ रहा हो कि भैया बैटरी बैकअप कैसा है। देखो मैं आपको एक फ़नी बात बताऊं, कंपनी ऐसा क्लेम करती है कि यहाँ पर आपको 10 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, लेकिन ऐसा घंटा नहीं है। मैंने जब इसे यूज़ करना स्टार्ट करा, 2-3 दिन यूज़ करा, तो मुझे जो टोटल स्क्रीन ऑन टाइम मिला था वो लगभग 5.5 घंटा मिला था, और एंड में 20% बैटरी बच गई थी। तो आप ये मान के चलो, अगर आप बिल्कुल ड्रेन करने पे आ जाते हो और नॉर्मल कैजुअली यूज़ करते हो ना, तो आप आराम से इसको 6 घंटे के आसपास यूज़ कर लोगे, नहीं तो 5.5 घंटा मान के चलो। 10 घंटा कंपनी ऐसा क्लेम करती है, ऐसा तो घंटा नहीं होने वाला। 10 घंटा तो भाई पता नहीं कैसे टेस्टिंग करिए। मैं बता दूँ, मैंने ना ब्राइटनेस को भी 80% ही सेट कर रखा था, बाकी वाईफाई पे सारा टाइम यूज़ किया है।
ओवरऑल अगर मैं आपको कंक्लूजन के बारे में बताऊँ ना, ये लैपटॉप अंडर 35,000 रुपीज में बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर देता है। हालांकि अगर यहाँ पर TN पैनल नहीं होता, IPS पैनल होता, तो भाई मैं धड़ाके से आप सभी लोग को रिकमेंड कर देता। हालांकि यहाँ पर एक और भी लैपटॉप है जो कि आता है Acer की तरफ से, Acer का Xtensa, वो यहाँ पर इस लैपटॉप से 1,000 रुपए महंगा है बदले में। लेकिन वहां पर जो आपको स्क्रीन देखने को मिलती है ना, वो IPS पैनल है, तो उस लैपटॉप में भी आपको सिमिलर एडवांटेज मिलेंगे और वहां पर स्क्रीन क्वालिटी भी बढ़िया मिलेगी, एटलीस्ट TN से तो मच बेटर मिलेगी। तो यहां पर मैं दोनों ही लैपटॉप्स का बेस्ट बाय लिंक दे दूंगा, जाकर आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो। इनके अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस भी कर लेना। वेल तो दोस्तों इस वीडियो में आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।